हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। अभी निकल रहा हूँ भरूच जाने के लिए, और थोड़ा काम है, तो आज क्या करता है मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी होगा मैं आप लोगों से शेयर करूँगा। तो मैं फिलहाल नहा धो के रेडी हो चुका हूँ, नाश्ता वास्ता करके अभी घर से निकल रहा हूँ, और मेरी स्कूटी लेके स्टे नहीं, मिलते हैं गाइस। अंदर फंसा हुआ है, भाई का सौगा आने वाला है, अभी हमारे सामने का आएगा। भाई जल्दी रहे भाई, ना आदमी तेरा मुंह तो दिखा दे एक बार। तो सो गाइस, गुड मॉर्निंग, और गुड मॉर्निंग तो नहीं बोल सकते, गुड आफ्टरनून। मैं हूँ अभी भरूच में मेरी बहन के वहाँ। मैं कल मतलब 3-4 बजे में आ गया था बड़ोड़ा से, और सूट तो कुछ कर नहीं पाया क्योंकि थक गया था। तो शॉपिंग भी करनी है, बहन के साथ में जाऊंगा बाहर शॉपिंग करने के लिए। मैं वेनसडे बुधवार को निकल जाऊंगा घर के लिए। एक हफ्ते पहले ब्लॉग डाला था गांव का, और कुछ सूट भी नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि ऐसे ही कुछ मन नहीं हो रहा है और काम करने का, क्योंकि बहुत डिमोटिवेट हो जाता हूँ कभी कभी। तो देखते हैं, अभी जो भी मैं शूट करता हूँ वो मैं आप लोगों से शेयर कर देता हूँ। तो मिलते हैं, अभी शाम को हम जाएंगे बहन के साथ शॉपिंग करने के लिए, तो तभी हम लोग आपसे मिलते हैं शाम को। मैं अभी आया हूँ थोड़ी शॉपिंग करने के लिए यहाँ पे। ये कैसा लग रहा है कमेंट करके बताओ मुझे। तो ये भी कमेंट करके बताओ कैसा लग रहा है, कंफर्टेबल है? तो ये टी शर्ट फाइनल की है, और दूसरा ये शर्ट अभी बाहर देखते हैं। थोड़ा पेंट इसके मैचिंग का, और शर्ट मेरा तो सिर्फ मैंने एक टी शर्ट और शर्ट लिया है। नीचे लेडी अभी बहन जा रही है, बहन के साथ देखते हैं। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अनदर डे, अनदर व्लॉग। आई होप आप सब एकदम मजे में और एकदम ठीक ठाक हो गए। मैं भी एकदम मजे में हूँ। सोच रहा हूँ आज करूँ क्या, क्योंकि मम्मी गई है गांव काम करने के लिए खेत में, क्योंकि बहुत सारा काम बाकी है अभी पेंडिंग में। लेकिन आज मुझे भी थोड़ा काम है तो मैं नहीं गया मम्मी के साथ, और पापा भी काम पे, मैं अकेला घर पे। और 2 दिन तो कल और उसके अगले दिन तो हमने मतलब अभी दिवाली आ रही है तो पूरा घर का काम किया, और ब्लॉग तो नहीं बना पाया क्योंकि बहुत सारा काम था और काम में ही ध्यान देना था। तो फिर ऐसे ही दिन दो दिन तो ऐसे ही निकल गया, पता ही नहीं चला। और दिवाली भी आ रही है, 4 तारीख को है दिवाली, तो देखते हैं अभी क्या क्या होता है, हम क्या क्या करते हैं, और आज क्या करने वाले हैं वो नहीं पता। लेकिन फ्रेंड का कॉल आया था कि कहीं पे जाएंगे हम लोग, और मैंने आज से सुबह में 5 बजे उठना स्टार्ट कर दिया है। रनिंग करने जाते हैं अभी हम लोग, क्योंकि जिम तो मैं अभी 6-7-8 मंथ हो गया जिम नहीं जाता, आज से मतलब आज से स्टार्ट किया है। तो देखते हैं कब तक जाते हैं, तो कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसे ही पूरा दिन खाली बैठे रहेंगे तो वो भी मज़ा नहीं आएगा। तो व्लॉग तो स्टार्ट कर दिया है, अभी देखते हैं हम लोग पूरे दिन में क्या करते हैं। अभी मैं तो सुबह 5 बजे से उठा हूँ, और नहाना तो अभी बाकी है क्योंकि नाश्ता किया है। तो अभी 9:30 बजने आए, जल्दी से फटाफट से मैं फ्रेश हो जाता हूँ। आज तो टाइम ही टाइम है, फ्री हूँ पूरा दिन, तो बाहर निकलता हूँ नहा धो के, और फिर देखते हैं कहाँ जाते हैं। तो मैंने आप लोगों को पिछले व्लॉग में बोला था कि गुड न्यूज है, गुड न्यूज ही बोल सकते हैं, क्योंकि हमारी फैमिली में वो पहला फंक्शन आने वाला है, शादी मेरी बहन की। मैं घर में मेरी
बड़ी सिस्टर है उसको मैं बहन करके बुलाता हूँ, नाम से तो कभी भी नहीं बुलाया बचपन से। और मेरी बहन का नाम है उषा, लेकिन हम उनको माई निकनेम से बुलाते हैं। तो अभी उसी की मैं बात कर रहा था, गुड न्यूज़, बहुत खुशी के दिन है हमारे, क्योंकि सबसे बड़ी बहन वो है और उसके बाद में और मेरा एक छोटा भाई है, तो हम कुल फैमिली मेंबर हम 5 लोग हैं, मम्मी पापा सब मिला के, तो यही रहने वाला है अभी 3-4 महीने से, अभी यही होगा, शादी तक बहुत सारा काम आने वाला है और जो भी घर वाले बोलेंगे वो करना ही पड़ेगा। अभी मम्मी भी हर रोज़ चली जाती है घर काम करने के लिए और मैं भी कभी कभी हेल्प करने के लिए चला जाता हूँ। ऐसे ही मैं आप लोगों को ब्लॉग देते रहूँगा। मिलते हैं गाइस आगे, अभी मैं जल्दी से जाता हूँ, नहा लेता हूँ और फिर निकलते हैं बाहर और देखते हैं कि कहाँ जाना है, क्योंकि फ्रेंड का कॉल आया था कि कहीं पर जाएँगे आज फ्री है, तो मिलते हैं गाइस आगे, लेट्स गो, चलते हैं। तो मैं आया हूँ अभी कुछ खाने के लिए और बहुत ही ज़्यादा भूख लगी है। और क्या बात है भैया, क्या बना रहे हो, बहुत ही मस्त स्मेल आ रही है और आप तो हैवी ड्राइवर हो, फायर वायर सब्जी में लगवा रहे हो। चलो भैया से जल्दी, क्या बना रहे हो वो पूछते हैं। आई थिंक पनीर बनी डाला है तो पनीर की सब्जी बना रहे हैं, लेकिन पूछ लेते हैं कौन सी सब्जी बना रहे हैं। ये कौन सी सब्जी बन रही है? काजू पनीर। ओके सो गाइस, तो ये है भगवती रेस्टोरेंट और आप यहाँ पे कभी भी आ सकते हो, सुबह से 9-10 बजे से रात के 11-12 बजे तक ये ओपन रहती है और बहुत ही मस्त स्वादिष्ट खाना बनाते हैं, कुछ भी ऑर्डर करो आप। और ओपन ढाबा है तो आप लाइव आपको बना के देंगे। और मैं आपको अभी यहाँ पे लिंक नंबर और डिस्क्रिप्शन में उसका नंबर और एड्रेस डाल दूंगा, और भगवती रेस्टोरेंट है तो प्लीज़ चेकआउट और आइए यहाँ पे खाने के लिए, और काफ़ी मज़ेदार और मस्त बनाते हैं, तो प्लीज़ एक बार विजिट करिए और देखिए यहाँ पे कि कैसा बनाते हैं और कैसा खाना मिलता है। यहाँ पे रेडी हो चुका है काजू पनीर, क्या बात है, देख के ही लग रहा है कि बहुत ही स्वादिष्ट बना होगा। तो गाइस चेक इट आउट और नंबर और मैं एड्रेस डाल दूंगा। तो ये देखो BSNL की स्पीड, अगर आपको BSNL ब्रॉडबैंड डलवाना हो अपने घर पे तो यहाँ पे नसवाड़ी रोड ऑनलाइन पॉइंट शैलेश राठवा, नंबर और एड्रेस मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो कांटेक्ट कर लेना। बहुत अभी आप लोगों ने देखा स्पीड खतरनाक वाली है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों को, इंटरनेट में अच्छी सुविधा मिलेगी आपको। ये है हमारा भावेश, काफ़ी टाइम बाद आया हूँ यहाँ पे और मुझे भी थोड़ा काम था। रास्ते में हमें मिल गया कैमेलियन, तो हम लोग अभी अलग रास्ते से जा रहे हैं क्योंकि वो वाला रास्ता अभी बन रहा है और यहाँ से नए रास्ते से मैं आपको व्यू दिखाता हूँ। लुक एट दिस व्यू। अभी बजे 1, अभी घर से निकले थे और घूमते घूमते मैंने पहले आप लोगों को बोला था कि कहाँ जाने वाले हैं वो नहीं पता, क्योंकि फ्रेंड का कॉल आया था कि चलते हैं, और यहाँ पे आप रास्ता भी देख सकते हो पूरा ऑफ राइडिंग है, तो मैं तो मेरी स्कूटी लेके आया था, तो वो लोग ऊपर चढ़ गए, मैं अकेला चलते चलते जा रहा हूँ। तो हम लोग अभी आए हैं रानी काजल और मेरे साथ है
मेरे फ्रेंड्स लोग, मैं आप लोगों को इंट्रो करवाता हूँ। मेरे साथ है हमारा लालू और दूसरे लोग आगे जा रहे हैं। ये रहा मंदिर रानी काजल और दूसरा ऊपर है। और लुक एट दिस व्यू, ऑसम। आज का वेदर भी काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे मैं दूसरी बार आया, यहाँ से व्यू देखो और बादल भी एकदम पास में ही और मस्त ठंडी ठंडी हवा चल रही है और हमारा लालू भाई भी ब्लॉग करता हुआ भी रहे, ब्लॉग कर रहा है। देखो ये भी ब्लॉग सब कर रहा है। सब्सक्राइब चैनल वीरेन राठवा। अभी हम लोग यहाँ पे रानी काजल दर्शन कर लिया, बहुत मज़ा आया। अभी मेरे साथ है अभिषेक और हमारा बिल्ला सेठ, बिल्ला सेठ और दीपक सोलंकी। काफ़ी मज़ा आया यहाँ पे और यहाँ पे सब लोग आते हैं, मन्नत है, सबकी मन्नत पूरी होती है तो हमने भी कुछ मन्नतें मांगी है यहाँ पे, तो आई होप कि सब कंप्लीट हो जाए, ओके हो जाए सब। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग के साथ, और अभी बज रहे हैं 5 और मैं अभी जस्ट उठा हूँ और बाहर तो मतलब भयंकर ठंडी है और हम लोग अभी रनिंग करने के लिए जा रहे हैं। फ्रेंड्स को कॉल किया अभिषेक को और वो अभी आ रहा है, तब तक मैं फ्रेश हो जाता हूँ फिर निकलते हैं। तो लेट्स गो, आगे मिलते हैं। बाहर तो अभी भी पूरा अंधेरा ही है, 5:30 बज चुके हैं लेकिन 6:30 बजे उजाला होगा और यहाँ पे तो कोई दिख भी नहीं रहा है। अभी मैं वेट कर रहा हूँ अभिषेक का, वो जल्दी आ जाए फिर हम निकलते रनिंग के लिए। ये जो सुबह उठने के जो मज़ा है ना, वो कुछ और ही है, क्योंकि जो आप लोग वीडियो में देख रहे हो और जो हम रियल में फील कर रहे हैं वो कुछ और ही है। और पूरा दिन मतलब सुबह में जग जाते हैं तो पूरा माइंड फ्रेश हो जाता है। ये व्लॉग इन दिन का मिक्स था, तो आई होप कि आपको देखने में मज़ा आया होगा और व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आएगा तो लाइक शेयर कमेंट, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और मिलते हैं गाइस नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर।